आजमगढ़ को विनाश के रास्ते पर यादव परिवार जो अब तक लेके गया था सैफ भाई का, उसको हम विकास के रास्ते पर लाना चाहते हैं। और विकास के रास्ते पर लाने के लिए दिनेश लाल यादव को लाना। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वो तो समय बताएगा जी। आज बहुजन समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो माइनॉरिटी वोटों में उनको इतना कमज़ोर कर दिया है कि जो माइनॉरिटी को बेवकूफ़ बनाकर समाजवादी पार्टी के लोग जो राजनीति करते थे, आज वो समय, वो जब 26 जून को मतगणना होगी, 23 जून को मतदान होगा, तब धर्मेंद्र यादव के समझ में आएगा कि आजमगढ़ की जनता परिवारवाद से उब चुकी है। कहेंगे कि कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो पाप, सैफई में क्या होता रहा है, क्या इन्होंने किया है, निरहुआ कलाकार है, और कलाकार है अगर वो कला को समाज में प्रदर्शित करता है तो क्या ये। दोस्तों आप लगातार लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए स्वागत के लिए पूरा भीड़ इकट्ठा हुई है और यहाँ पे दिनेश लाल यादव बहुत जल्द ही पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे एक युवाओं के अंदर अगर देखा जाए तो एक बहुत गजब का जोश दिखाई दे रहा है। और जहाँ पे अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो 13 प्रत्याशी आजमगढ़ में सदर सीट के लिए आ चुके हैं और यहाँ पे एक माहौल है। यहाँ से लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है, कैसे कैसे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? दुर्गेश गुप्ता नाम हमारा। अच्छा दुर्गेश गुप्ता जी, अगर हम सदर विधानसभा सीट की बात करें तो क्या माहौल बना हुआ है? बहुत जबरदस्त माहौल है, एकदम जबरदस्त माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टक्कर नहीं है इनकी, एकदम एकदम जिंदाबाद जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी कमल निशान जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पे देखिए दोस्तों लगातार मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक गजब माहौल दिखाई दे रहा है। और हम युवाओं से प्रश्न करेंगे और समझेंगे, एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं मेरे साथ, क्या अब की बार आप लोगों का क्या मतलब, क्या चाहते हैं अब की बार आजमगढ़ का विकास कैसे होना चाहिए? हम लोग इस बार चाहते हैं दिनेश लाल निरहुआ जी को हम लोग जिताएंगे जी, और पूरा हम लोगों के जनता का सब लोगों का मूड यही बना हुआ है कि इस बार इनको जिता के तभी। धर्मेंद्र यादव कह रहा है कि हमारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? दिनेश लाल यादव आजमगढ़ को विनाश के रास्ते पर अब तक 10 वर्षों से डाले हुए थे, उसको हम विकास के रास्ते पर। क्या नाम हुआ चाचा आपका? धनंजय कुमार राय, मंडल अध्यक्ष रानीसराय। जी जी जी, तो क्या मतलब कहना चाहेंगे? आजमगढ़ को विनाश के रास्ते पर यादव परिवार जो अब तक लेके गया था सैफ भाई का, उसको हम विकास के रास्ते पर लाना चाहते हैं। और विकास के रास्ते पर लाने के लिए दिनेश लाल यादव को लाना पड़ेगा। अच्छा बीजेपी को लाना पड़ेगा? हाँ बीजेपी को लाना पड़ेगा, केंद्र में बीजेपी की सरकार होगी, प्रदेश में बीजेपी की सरकार होगी तो विकास के लिए हमको एक जनप्रतिनिधि लाना होगा यहाँ जी। तो दिनेश लाल यादव जी यहाँ पे कब तक पहुँच रहे हैं? बस 10 मिनट के अंदर पहुँच रहे हैं जी जी जी। देखिए यहाँ पे लोगों के अंदर ये उत्साह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पे लगातार योगी मोदी के नारे लग रहे हैं और बहुत जल्दी यहाँ पे दिनेश लाल यादव आने वाले हैं दोस्तों, और जैसे ही वो आते हैं यहाँ पे हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? रितेश तिवारी। अगर युवाओं के लिए हम बात करें, युवा अब की बार क्या चाहते हैं आजमगढ़ में, किस प्रकार का भाजपा सरकार क्या ऐसी खासियत है, भाजपा सरकार क्यों लाना चाहते हैं? परिवारवाद से आजमगढ़ को दूर करना चाहते हैं और आजमगढ़ में भाजपा की सरकार लाना चाहते हैं, कमल खिलाना चाहते हैं। हाँ कमल, केंद्र राज्य में दोनों भाजपा सरकार होनी चाहिए। अच्छा, साइकिल क्यों नहीं चाहिए? साइकिल पंचर हो गई। पंचर हो गई? परिवारवाद, साइकिल इसलिए नहीं चाहिए कि साइकिल कोई पिछले 3 साल वोट दे के हम लोगों ने देखा फरार हो गए छोड़ के सांसद ही, आज जिसको हम ये गर्त में झेला है अखिलेश यादव की देन है ये, नहीं तो ये चुनाव नहीं होता। अच्छा चाचा जी, युवाओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है रोजगार को लेके, आप सरकार से रोजगार के बारे में इन युवाओं के लिए आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम चाहते यही हैं कि कोरोना काल की त्रासदी झेलते हुए सरकार ने 3 साल गुजार दिए, अब जो वक्त मिला है तो कुछ न कुछ युवाओं के लिए काम करेगी सरकार। अखिलेश मिश्रा जी हैं, हम इनसे भी बात करने के प्रयास करेंगे और समझेंगे। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सर हाँ जी जी, लगा
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश सर और हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं और कैसे माहौल बना हो। सर, सबसे पहले पीजी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, अभी विगत जो 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर रन अप रही है। पहली बार आजमगढ़ के जनता का स्नेह प्यार आशीर्वाद इतना मिला कि कहीं 85,000 कहीं 74,000 कहीं 75,000 वोट पाकर हमारे प्रत्याशी विधानसभा जाने से रह गए। लेकिन इस बार जो उपचुनाव जो हो रहा है, इसमें 2014 में मुलायम सिंह यादव 5 साल में कभी जनता के दुख दर्द में नहीं आए। अखिलेश यादव सांसद होने के बाद कभी भी किसी भी, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे कोरोना की त्रासदी रही हो, किसी से मिलने, किसी का हाल चाल लेने नहीं आए। निरहुआ 2019 में चुनाव लड़ा था। 2019 में चुनाव लड़ने के बाद आजमगढ़ में जो भीषण बाढ़ आई थी, उसमें भी सबका हाल चाल लेने के लिए उनके घरों तक पहुंचा। कोरोना जैसी महामारी में भी कोरोना में लोगों का हाल चाल लेने, उनके पास खाने पीने की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी का निर्वहन किया। और आजमगढ़ की जनता इस बार इस आशा में थी, जैसा अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि हम आजमगढ़ से ही किसी को प्रत्याशी बनाएंगे, लेकिन वो परिवारवाद के भू से बाहर नहीं निकल पाए और अंत में उन्होंने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि उपचुनाव में मेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा, इस पे आपका क्या विचार है? वो तो समय बताएगा। आज बहुजन समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है, वो माइनॉरिटी वोटों में उनको इतना कमजोर कर दिया है कि जो माइनॉरिटी को बेवकूफ बनाकर समाजवादी पार्टी के लोग जो राजनीति करते थे, आज वो समय, वो जब 26 जून को मतगणना होगी, 23 जून को मतदान होगा, तब धर्मेंद्र यादव के समझ में आएगा कि आजमगढ़ की जनता परिवारवाद से उब चुकी है। अगर सदर सीट से निरहुआ जी सांसद बनते हैं तो सबसे बड़ा विकास का मुद्दा आप लोगों का क्षेत्र में क्या क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से लगातार आजमगढ़ का विकास ही तो हो रहा है। निरहुआ उस विकास के पहियों को आगे बढ़ाने का काम करेगा और जो भी समाजवादी पार्टी की सरकारों में, उनके ऊपर लोग कमेंट करते हैं कि वो भोजपुरी स्टार हैं, फिल्म बनाते हैं, गाने बनाते हैं, वहाँ पे बिजी हो जाएंगे तो वो समाज के बीच में कितना अपना समय दे पाएंगे? आप लोगों को क्या विश्वास है, इस पर क्या क्या राय है आप? देखिए, निरहुआ कलाकार है। हम एक बात कहेंगे कि कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो पाप, सैफई में क्या होता रहा है, क्या इन्होंने किया है। निरहुआ कलाकार है और कलाकार है, अगर वो कला को समाज में प्रदर्शित करता है तो क्या ये बुरी बात है क्या? सर, युवाओं के लिए आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा आजमगढ़ के सदर विधानसभा सीट के लिए? देखिए, युवा के लिए बराबर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी न किसी तरह के से उनको रोजगार देने का काम कर रही है और आगे युवा भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में सर्वप्रथम है और युवाओं को रोजगार देना, उनको बिजनेस में बढ़ावा देना, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए लगातार आप पीजी न्यूज से जुड़े रहें और मेरे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए थे अखिलेश मिश्रा जी। और अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से और आप लोग लगातार खबरें देखते रहें और शायद